गंभीरानंद आश्रम भिवंडी महाराष्ट्र के तत्वाधान में स्वामी श्री गंभीरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा गुरुदेव स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आश्रम में निर्मित स्पिरिचुअल साइंस सेंटर आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र के सुंदर परिसर में किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्वामी जी महाराज द्वारा किए गए सेवा कार्य, त्याग, प्रेम के संदेश को सभी साधकों, भक्तों एवं जन सामान्य तक पहुंचाना है। स्वामी जी महाराज का जीवन भी स्वामी श्री चिदानंद जी से प्रभावित रहा, प्रेरित रहा, उनके बताए गए मार्गों पर, पदचिन्हों पर वे सदैव चलते रहे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी यही है कि सभी उनसे प्रेरणा पा सकें। उनके द्वारा किए गए कार्यों से सभी अवगत हैं। उनके समाज कल्याण, सेवा कार्य, पूरे विश्व में फैलाए गए आध्यात्मिक ज्ञान का संज्ञान स्वयं भारत सरकार ने भी लिया एवं उनके नाम पर डाक टिकट उन्होंने प्रसारित की। ऐसे स्वामी चिदानंद सरस्वती एक अनन्य व्यक्तित्व के बारे में जानने हेतु इस सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन आश्रम में किया गया। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी चिदानंद स्वामी जी के संपूर्ण जीवन को जानने का अवसर स्वामी जी महाराज ने हमें प्रदान किया। तो आइए हम प्रदर्शनी प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ पर दिखाया गया है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, उनके शिष्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज एवं उसी क्रम में स्वामी श्री गंभीरानंद सरस्वती जी महाराज, इस क्रम को यहाँ पर दिखाया गया। तथापि भगवान शिव से आए हमारे ज्ञान को यहाँ पर दिखाया गया। भगवान शिव, सनकादि मुनि, नारद जी, वेदव्यास भगवान, सुखदेव, गौड़ पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य आदि शंकराचार्य से होते हुए ये आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार हम तक पहुँचा, ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती एक अनन्य व्यक्तित्व। इस प्रदर्शनी में उनके बाल्यकाल से लेकर उनके संपूर्ण जीवन कार्य एवं समाधि तक के सारे वृत्तांतों को संक्षेप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, ताकि इसे पढ़कर आए हुए साधक सज्जन उनके जीवन को सारांश में जान सकें, उनके जीवन को विस्तृत रूप से हम आगे जानेंगे। सर्वप्रथम सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी के बाल्य जीवन के बारे में हम प्रारंभ करते हैं। उनका बाल्य जीवन, उनका नाम बालक श्रीधर राव था। उनके पिता श्री जी श्रीनिवास राव एवं माता सरोजनी देवी, जो एक परंपरागत वैष्णव ब्राह्मण थे, जो अपनी शालीनता, सज्जनता एवं धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, कर्नाटक के मंगलोर में स्थित मनोहर विलास में, जहां बालक श्रीधर का जन्म हुआ एवं बाल्यकाल का जीवन वहां पर उनका बीता। शिशु अवस्था से ही उनकी दिव्यता, उनके स्वभाव से सभी मोहित थे। शिशु अवस्था में अपनी माता की गोद में अपनी बड़ी बहन हेमलता के साथ स्वामी जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बालक श्रीधर गौ माता के साथ आनंद एवं सेवा करते हुए अपने परिवारजनों के साथ, श्रीधर की ये बहुत पुरानी छवि हमारे सामने प्रदर्शित है। इस छवि में युवान श्रीधर अपने परिवारजनों के साथ, उनकी छोटी बहन वसुधा वत्सला, छोटे भाई राघवेंद्र, उनके नाना जी एन वेंकट राव एवं नानी सुंदरमा देवी यहाँ पर है। उनकी शिक्षा लॉयला कॉलेज मद्रास में संपन्न हुई, जहाँ से उन्होंने बीए में अपनी स्नातक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। मेधावी एवं शिक्षकों के हृदय प्रिय
स्वामी श्रीधर का बाल्य जीवन बहुत ही मेधावी रहा। तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के चरणों में उनका आगमन हुआ। 19 मई 1943 को बुद्ध पूर्णिमा का वह दिवस जब श्रीधर ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में पहुंचे एवं गुरु चरणों में समर्पित हो गए। 10 जुलाई 1949 को उन्होंने स्वामी शिवानंद जी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की एवं वे बालक श्रीधर से स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती में परिणित हो गए। स्वामी चिदानंद जी का संपूर्ण जीवन उनके गुरुदेव को समर्पित हो गया। गुरुदेव ने सभी शिष्यों के सामने स्वामी चिदानंद जी को अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया था। गंगा नदी के तट पर अपने गुरु भाइयों के साथ ब्रह्म विद्या उन्होंने ग्रहण की। योग अभ्यास में वो निपुण रहे। गुरुदेव की सेवा में हमेशा उनकी तत्परता देखते ही बनती थी। उनके सेवा कार्य, दैनिक सत्संग, भजन कीर्तन इत्यादि में वे प्रति समय अपने गुरुदेव के साथ रहते हैं। इस प्रकार स्वामी शिवानंद जी से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्म विद्या ग्रहण की। उनका जीवन सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। उनका जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए हमेशा जाना जाएगा। नर ही नारायण है, इस भाव को उन्होंने सभी तक पहुंचाया। जीवी दया की भावना से ओतप्रोत स्वामी जी सभी के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, कोई वन्य प्राणी हो। छोटे से छोटा कार्य, चाहे वो बच्चों के पत्तल उठाना हो, चाहे चलते हुए किसी राहगीर को सहायता करनी हो, उनके जीवन में सामान्य दिखाई देता। सभी कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर वे उनके साथ हाथ बटाते हैं। वृक्षों, लताओं, जानवरों, सड़क पर चलते बच्चों की सेवा के लिए, प्रेम के लिए उनका हृदय सदा खुला रहता। अपने हाथों से उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। वे सड़क से रोगियों को उठा लाते, उनके रहने की, खाने की एवं उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति रहा। तदनंतर परम पूज्य गुरुदेव के आदेश द्वारा दिसंबर 1958 से 1962 तक योग एवं वेदांत के प्रचार हेतु वे विदेश गए, जहां विश्व धर्म सभा शिकागो 1993 में उन्होंने अध्यक्षीय व्याख्यान भी दिया, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म महासभा को 100 वर्ष पहले उद्बोधन किया था। उन्होंने देश में ही नहीं अपितु सारे विश्व में अपने आध्यात्मिक ज्ञान, योग ज्ञान को चारों तरफ फैलाया। धर्म प्रचार में वे स्विट्जरलैंड, वर्जीनिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी इत्यादि विभिन्न देशों में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदर्शित किया। उड़ीसा से उनका विशेष लगाव रहा। उड़ीसा में उन्होंने 250 से अधिक सभाएं एवं विभाग की स्थापना की। जन सामान्य तक आध्यात्मिक ज्ञान गुरुदेव के संदेश को पहुंचाया। स्वयं श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती भी उनके उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्वामी चिदानंद जी का धर्म प्रचार में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा, जिससे उनके आश्रम के कार्यों को प्रख्याति मिली। उन्होंने धर्म प्रचार के समय उनकी मुलाकात विभिन्न महानुभावों से हुई। संत आनंदमयी माता काशी में उनके दर्शन उन्होंने लिए। सेवा की प्रतिमूर्ति भारत रत्न मदर टेरेसा से,
उनसे मुलाकात की उन्होंने। कैलाश पीठाधीश्वर श्री हरिहर तीर्थ जी के दर्शन अंतिम समय में उन्होंने लिए। 1916 में रोम में ईसाई धर्मगुरु पॉल सिक्स से भी उन्होंने वार्तालाप की। शिवानंद सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन में स्वयं राष्ट्रपति राधा कृष्णन आए। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी से मुलाकात करते हुए रामकृष्ण मिशन के स्वामी राघवेंद्र जी से मुलाकात की। वेद प्रचारक स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज से भेंट। श्री सत्य साई बाबा जी के साथ जब वो आश्रम में आए थे उनसे भेंट हुई। एवं ओडिशा के प्रसिद्ध वैष्णव संत नामाचार्य जी, विनोबा जी, सीताराम दास प्रमुख स्वामी जी एवं उनके युवा काल के प्रेरणा स्तोत्र पापा रामदास जी के सानिध्य में यहाँ वे दिखाई दे रहे हैं। इन सभी महानुभाव से विश्व शांति के मार्गदर्शन के लिए एवं विचार विमर्श के लिए उन्होंने मुलाकात की। स्वामी जी का जीवन सर्वधर्म संभाव में रहा। उन्होंने हमेशा कहा कि मार्ग अनेक हैं किंतु सत्य केवल एक है। उनका समन्वय विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ भी रहा, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सभी के साथ उन्होंने समन्वय स्थापित किया। स्वामी जी महाराज विभिन्न धर्म चिन्हों को दिखाते हुए ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह के साथ संभाव से खड़े हुए हैं। गृहस्थ संत जेपी वासवानी जी से भी मुलाकात कर रहे हैं। मस्जिद में मुस्लिम भाइयों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रोम में ईसाई धर्म गुरु पॉल पॉप से मिल रहे हैं। हिंदू धर्म तुलसी माता को प्रणाम करते हुए जैन मुनियों के साथ सहज भाव में उनसे वार्तालाप करते हुए विभिन्न सभाओं में बौद्ध मुस्लिम धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ व्याख्यान देते हुए सिख धर्म के एवं बौद्ध धर्म के विभिन्न स्थानों के दर्शन लेते हुए स्वामी जी स्वामी शिवानंद जी से उन्होंने योग शिक्षा प्राप्त की। योग में वे निपुण रहे और जीवन के अंत समय तक उन्होंने योग का अभ्यास नहीं छोड़ा। योग उनके जीवन के एवं दैनिक उनके कार्यों के रूप में था। विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन मुद्रा वे प्रदर्शित करते, योग का अभ्यास करते, चाहे वो शीर्ष पद्मासन हो, गर्भासन हो, योग निद्रासन हो, अर्ध मत्स्येन्द्रासन हो, प्राणायाम अनुलोम विलोम हलासन, अश्व संचालनासन, शल्भासन एवं ध्यान की मुद्रा में वे सदैव जुड़े रहे। दिनचर्या में उनकी दैनिक दिनचर्या में यह उनका एक अभ्यास हमेशा बना रहा। अंत में जीवन के सायहान में उनकी संपूर्ण आयु 92 वर्ष तक रही। स्वामी जी द्वारा गुरु पूर्णिमा पर शिवानंद आश्रम में उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन 2006 में दिया। उसके बाद वे शांति निवास देहरादून में एकांत निवास के लिए चले गए, जहां पर रहते हुए भी उन्होंने संचालन किया एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहे एवं आखिरी सांस तक उन्होंने गुरुदेव की पूजा अर्चना देहरादून में उनके शांति निवास में उन्होंने की एवं 28 अगस्त 2008 को स्वामी जी महाराज महानिर्वाण के उपरांत उनके दर्शन हेतु समाधि मंदिर शिवानंद आश्रम से उनकी जल समाधि के लिए प्रस्थान किया गया, जिनमें सम्मिलित शोकाकुल भक्त एवं साधक वहां पर थे। अलमस्त चिदानंद उनके कुछ विभिन्न आनंद के समय को यहां पर प्रदर्शित किया गया। बच्चे के साथ झूला झूलते हुए, स्टेशन पर ही नहाते हुए, एकांत में विश्राम में बैठकर वातावरण को निहारते हुए, प्रकृति की गोद में
प्रसन्नचित मुस्कुराहट बिखेरते हुए, हमेशा प्रसन्नचित सच्चिदानंद आनंद में मस्त चिदानंद जी के रूपों को यहाँ दिखाया जा गया। बाल्यभाव में, सहज बाल्यभाव में शिशु की नकल करते हुए, महोत्सवों में सहज भाव से प्रकाश फैलाकर आनंद लेते हुए, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमूर्ति थे। उस भाव में सरल निर्विकार अनोखे मुखमंडल के साथ यहाँ पर स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, वीणा बजाते हुए एवं सात्विक संगीत में रमण करते हुए अलमस्त चिदानंद। आश्रम परिसर में गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर एक सुंदर कथा का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ये कथा धौम्य ऋषि एवं उनके शिष्य उपमन्यु की है। जब उपमन्यु घने घनघोर जंगल में धौम्य ऋषि के साथ आश्रम में सेवा करते हुए, उपमन्यु उनके साथ रहते थे, धौम्य ऋषि ने निरीक्षण किया कि जब ये गौ सेवा के लिए जंगल में जाते हैं और इनका शरीर तो बहुत हृष्ट पुष्ट होते जा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि तुम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? तो कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। तो कहा, अरे गुरुदेव को समर्पित किए बिना खा लेते हो? गुरुदेव को समर्पण करो, उसके बाद जो दे वही ग्रहण करना चाहिए। तब से वो गुरुदेव को भोजन देने लग गया। तो गुरुदेव सारा भोजन रख लेते हैं परीक्षा के लिए, फिर भी वो हृष्ट पुष्ट होते जा रहा है। फिर कह रहे, सारा भोजन तो हम रख लेते हैं, उपमन्यु तुम भोजन कहाँ से लेते हो? कहा, मैं दोबारा मांग लेता हूँ। कि अरे दोबारा नहीं मांगना है, गृहस्थों पर बोझ पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने परीक्षा आरंभ की और अंत में वो गौ के मुँह से, जो बछड़े के मुँह से जो फेन निकलता था, वो चाट कर अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। गुरुदेव ने कहा कि उस पर भी बछड़े का अधिकार है, तुम क्यों उसे ग्रहण कर रहे हो? इस प्रकार भूखी अवस्था में उसने एक दिवस जंगल के जो जहरीले पत्ते होते हैं वो उन्होंने खा ली, जिससे उनकी आंखें चली गई और वे गड्ढे में गिर गए। अश्विनी कुमार उनके पास आए और कहा कि आप ये औषधि ले लीजिए, खा लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगे। किंतु उपमन्यु ने कहा, नहीं, मैं अब कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, अब जो भी मुझे मिलेगा गुरुदेव को दिए बिना मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, उनकी आज्ञा से ही ग्रहण करूँगा, उनको देने के बाद ही ग्रहण करूँगा। ऐसे प्रसन्न हो अश्विनी कुमार ने उनकी दिव्य दृष्टि लौटा दी। तब उपमन्यु को समझ में आया कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन जीवन में सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार स्वामी गंभीरानंद आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। इसका लाभ दिन भर में सैकड़ों साधकों, सज्जनों, भक्तों एवं जनमानस ने उठाया, ताकि उनके जीवन से सभी ने प्रेरणा प्राप्त की। ओम नमः शिवाय।